हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल डी के स्टडी पॉइंट में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे आज फिज़िकल एजुकेशन के चैप्टर 4 की वीडियो, जिसमें जिसका नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद, जिसमें कि हम बात करेंगे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं यानी कि दिव्यांग, उनके लिए शारीरिक शिक्षा और खेलकूद है वो किस तरीके से महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले हम एक शब्द देख लेते हैं CWSN। जो CWSN होता है, इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, चिल्ड्रंस विथ स्पेशल नीड्स, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको विशेष आवश्यकताओं की ज़रूरत है, जिनके लिए कुछ हर काम में विशेष आवश्यकताएं होती हैं और उनके लिए जो है स्पेशल रूल्स बनने चाहिए जिससे कि उन्हें प्रॉब्लम्स ना हो और वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही रह सके या खेल सके या बातचीत कर सके या अपने आप को समाज में पिछड़ा हुआ ना माने। तो उनके लिए भी देखा जाए तो किस तरीके से शारीरिक शिक्षा है वो और खेलकूद है वो किस तरीके से महत्वपूर्ण है, तो इस चैप्टर में आज हम यही बात करेंगे। तो CWSN का मैंने मतलब आपको बता दिया, चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं असमर्थता की या अक्षमता की, ठीक है। अक्षमता या असमर्थता क्या होती है? अक्षमता या असमर्थता अगर एक लाइन में मैं आपको बताऊँ तो इसका मतलब होता है अक्षमता अर्थात क्षमता की कमी, यानी जिस व्यक्ति में क्षमता की कमी है वह असक्षम व्यक्ति है, ठीक है, यानी कि वो उस काम को करने में असमर्थ है। तो जो अक्षमता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक निश्चित टाइम पीरियड में ही होती है या फिर आपकी कोई एज होती है या कुछ भी होता है, आपको जो अक्षमता होती है वो किसी भी समय हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको कोई टाइम पीरियड हो या फिर कुछ हो, तो आपको जरूर जो ये अक्षमता होती है आपको किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकती है, किसी बीमारी के कारण भी हो सकती है, या फिर आपको या आपके पूरे जीवन काल में कभी भी हो सकती है। और जो क्या नाम है, ये जो अक्षमता है ये WHO कहते हैं, WHO के अनुसार जो अक्षमता होती है वो 3 प्रकार की होती है, पर हम नीचे पढ़ेंगे 4 प्रकार की अक्षमताओं के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो अक्षमता होती है अक्षमता के कारण आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अक्षमता होने के कारण जो अगर आपको किसी दुर्घटना में मान लीजिए आप किसी दुर्घटना के कारण असक्षम हो जाते हैं, यानी कि आपने सक्षमता की जो कमी हो जाती है, तो उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप शारीरिक तथा मानसिक रूप से आपको प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपकी शारीरिक तथा मानसिक क्षमता में कमी आ सकती है, ठीक है। तो जैसे कि शारीरिक रूप से आपके हाथ पैरों में कोई प्रॉब्लम्स हो सके हो जाए तो ये शारीरिक रूप से असक्षम हो जाएंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, जो आपके सीमित गतिविधियां हो जाएंगी, यानी कि जो आप देखने सुनने बोलने या बातचीत करने का काम करते हैं ये जो हैं गतिविधियां आपकी सीमित हो जाएंगी, और प्रतिबंधित भागीदारी हो जाएगी, यानी कि जो आपकी भागीदारी है वो सीमित हो जाएगी। इसका अर्थ क्या है, दैनिक गतिविधियों में जो आपकी भागीदारी होती है ये आपकी कम हो जाएगी, यानी कि आप किसी भी काम को फटाफट से या जल्दी से जो करने की क्षमता होती है उसमें आपकी कमी हो जाएगी, ठीक है। तो जिससे आपकी जो भागीदारी है वो हर काम को करने में हिस्सा लेना या भाग लेना वो जो है कम हो जाएगा। तो अक्षमताओं के प्रकार देख लेते हैं, जो अक्षमता होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है, 4 प्रकार की, संज्ञानात्मक अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता और शारीरिक अक्षमता और चौथी संवेदी अक्षमता, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें संज्ञानात्मक अक्षमता की। तो संज्ञानात्मक अक्षमता में क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उसको संज्ञानात्मक अक्षमता में मानसिक संबंधी जो बीमारी होती की श्रेणी में आती है, ठीक है। तो संज्ञानात्मक जो अक्षमता होती है मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां होती हैं उसकी श्रेणी में आ जाती हैं। तो संज्ञानात्मक अक्षमता के कारण जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको जो मतलब नॉर्मली छोटे बच्चों को सिखाने वाली चीज़ें होती हैं, यानी कि जो नॉर्मली आसान चीज़ें होती हैं उनको भी सीखने में समझने में या याद रखने में छोटी छोटी सी समस्याएँ जो हैं उन्हें को सुलझाने में इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती है, जो कि नॉर्मल इंसान की जो बहुत आसान के लिए जो बहुत आसान काम होता है उसमें भी उसके लिए भी इन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उन्हें सुलझाने में भी इन्हें दिक्कत आती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो व्यक्ति पीड़ित होते हैं वो अक्षमता जो होती है संज्ञानात्मक अक्षमता उससे पीड़ित व्यक्ति होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बौद्धिक अक्षमता की। तो बौद्धिक अक्षमता जो है वो एक प्रकार की मानसिक विकलांगता होती है, ठीक है, जो कि बौद्धिक
कार्य क्षमता को के अनुकूल जो है व्यवहार व्यवहार के में अक्षमता के कारण होती है। यानी कि जो हम बौद्धिक रूप से कार्य करने की हमारी क्षमता होती है उसके जो मतलब अपोजिट में काम करती है, यानी कि उसके एकदम साथ साथ या उसके जैसे काम नहीं करती। अगर हम किसी भी चीज़ को मतलब आप ये समझ सकते हैं आप कि आप जिस तरीके से अपनी बुद्धि लगा के या दिमाग लगा के जो काम करते हैं उसके अपोजिट होती है, आप उस तरीके से ढंग से नहीं कर सकते। और इससे क्या होता है, आप अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये होती है बौद्धिक अक्षमता, जिसमें कि व्यक्ति को जो दैनिक कार्य करने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। तो और ये जो विकलांगता होती है ये असर जो है इसका 18 वर्ष की उम्र से पहले ही उत्पन्न जो है वो दिख जाता है। तो ये इसका असर जो होता है वो 18 वर्ष की उम्र से पहले पहले ही दिख जाता है। तो शारीरिक अक्षमता जो होती है, शारीरिक जो अक्षमता होती है वो एक प्रकार की विकलांगता होती है, यानी कि शारीरिक रूप से विकलांगता, ठीक है। जिसमें शारीरिक अक्षमता जो है वो सामान्य तौर पर ऐसा देखा जाता है नॉर्मली कि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी काम को करने में या फिर उसके चोट लग जाती है दुर्घटना के कारण वो उसके जो शारीरिक कार्य करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति के जो अंग होते हैं उन पर इस विकलांगता का जो प्रभाव है वो साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है। शारीरिक विकलांगता का मतलब ये है कि जैसे उस किसी व्यक्ति को चलने में, उठने में, बैठने में या किसी वस्तु को पकड़ने में, ले जाने में, उठाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं और ये किसी भी दुर्घटना के कारण हो सकती है अक्षमता जो है व्यक्तियों को। ज़्यादातर शारीरिक रूप से जो अक्षम व्यक्ति होते हैं वो हमने मोस्टली ये देखने को मिलता है कि उनके दुर्घटना के कारण ही, यानी कि किसी भी एक्सीडेंट में उन ज़्यादातर तभी ये अक्षमता होती है, मोस्टली हमें ये देखने को मिलता है शारीरिक अक्षमता। अब हम बात करेंगे संवेदी अक्षमता के बारे में। तो संवेदी अक्षमता जो है, जो संवेदी अक्षमता होती है इसका जो प्रभाव होता है वो नॉर्मली व्यक्ति की इंद्रियों पर पड़ता है। इंद्रियां मतलब सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं जैसे कि नाक, कान, स्किन, ठीक है, और जीभ, इन चीज़ों पर, इन इंद्रियों पर उसका प्रभाव पड़ता है। जिसके कारण जब किसी व्यक्ति की इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है तो उसके कारण मतलब उसको व्यक्ति को देखने में, सूंघने में, सुनने में और स्वाद और स्पर्श करने की जो क्षमता होती है वो प्रभावित हो जाती है। यानी कि अगर उस इंद्रियों को प्रभावित करेंगी जिस उनकी क्षमता कम होगी तो इसके कारण जो उनका जो इंद्रियां हैं उनका जो काम है वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा अगर वो प्रभावित होंगी तो, ठीक है। तो इस तरीके से जो इंसान की संवेदी अक्षमता जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि उसको सूंघने में, स्पर्श करने में, स्वाद लेने में, इन चीज़ों की जो क्षमता होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। संवेदी क्षमता के कारण जो जन्मजात अथवा किसी भी दुर्घटना के कारण हो सकता है, जो संवेदी क्षमता होती है वो ऐसा हो सकता है कि आपदा आपको जन्मजात भी हो, यानी कि आपके जन्म से ही शुरू हो गई हो, या फिर किसी दुर्घटना के कारण भी ऐसा हो सकता है। अब हम देख लेते हैं कि जो अक्षमता है इसके कारण क्या हो सकते हैं। तो ये मैंने कुछ अक्षमताओं के कारण निकाले जो कि चारों अक्षमताओं में कॉमन से कारण है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ इस तरीके के कारण निकाले हैं जिसमें कि हम एक बात कर लेते हैं जो अनुवांशिक कारण है। अनुवांशिक कारण जो है वो हर किसी में आता है, मतलब हर किसी अक्षमता का कारण है अनुवांशिक हो सकता है। यानी कि ऐसा हो कि आपको वो जो आप अक्षमता से जूझ रहे हैं जो बच्चे उनको ये अनुवांशिक हो, यानी कि उनके पेरेंट्स से ही उन्हें ये चीज़ मिली हो, ठीक है। कुपोषण हो सकता है, तो भारत जैसे देश में एक कुपोषण जो है वो बहुत बड़ी समस्या है जो है वो उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण एक कुपोषण एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है और ये भी एक अक्षमता का कारण हो सकता है। स्पेशली संज्ञानात्मक और बौद्धिक अक्षमता का कारण तो कुपोषण होता ही होता है, क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं वो उन्हें हर भरपूर जो है वो पोषण नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनको इस तरीके की अक्षमता होना नॉर्मल है। जीवन शैली, तो जैसे कि व्यक्ति जो है आजकल एक बहुत ही जो है वो अव्यवस्थित जीवन शैली जीते हैं, जिसके कारण अब मान लीजिए आप कोई व्यक्ति है उसकी ये जो है एक अक्षमता का कारण इस तरीके से हो सकती है कि अगर आपकी जो जीवन शैली है वो अच्छी नहीं है, यानी कि आप किसी भी कार्य को व्यवस्थित रूप से नहीं करते, ढंग से नहीं करते, तो भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या अक्षमता हो सकती है। शारीरिक रूप से अक्षमता हो सकती है आपको, ठीक है। तो ये जो है जीवन शैली के कारण, सही जीवन शैली ना होने के कारण भी आपको ये अक्षमता हो सकती है।
किसी दुर्घटना के कारण। अब दुर्घटना के कारण आपको कोई भी जो है वो अक्षमता हो सकती है, वो संज्ञानात्मक भी हो सकती है, बौद्धिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, और संवेदी अक्षमता भी दुर्घटना के कारण हो सकती है। अब आप एक अचानक से कोई दुर्घटना हो जाए तो किसी को कुछ नहीं पता होता और क्या नाम है, उसके कारण ही उस दुर्घटना में ही उसका असर जो है वो किसी भी रूप से पड़ सकता है उस व्यक्ति के ऊपर, ठीक है। नशीले पदार्थों का सेवन, नशीले पदार्थों का सेवन से भी एक अक्षमता जो है वो हो सकती है, जैसे कि व्यक्ति एक नशीले पदार्थों का लगातार सेवन करने से उसमें जो बौद्धिक अक्षमता होती है, यानी कि सोचने समझने की या फिर किसी भी चीज़ को सीखने की या फिर उस नशीले पदार्थों को सेवन करने के लिए उसके जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं यानी संवेदी जो इंद्रियां होती हैं वो भी कमज़ोर पड़ने लग जाती हैं। तो चिकित्सा और कुशलता का अभाव, चिकित्सा मतलब अगर आपको किसी भी चीज़ से या किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम हो या दिक्कत आ रही है, आप में अक्षमता है थोड़ी बहुत है, तो अगर आप उसका सही से इलाज नहीं करवा पा रहे हैं या आप चिकित्सा कुशलता का अभाव है, आपके पास अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा या आप उसका इलाज नहीं करवा पा रहे, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब हम सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं अक्षमता की प्रकृति की। तो अक्षमता की जो प्रकृति होती है, अक्षमता की प्रकृति का तात्पर्य जो है, अक्षमता जो है उसको जो लोग हैं उन्होंने एक विकलांगता को एक अभिशाप जो है वो अभिशाप मान लगे, इतना गलत मानते हैं और इसके बारे में जो एक धारणा बनी हुई है समाज में वो भी गलत है। तो इस समस्या के समाधान के लिए जो कि अक्षम व्यक्ति हैं उनके परिवार को और सामाजिक दायरे में जो लोग रह रहे हैं उनको इस चीज़ को समझना चाहिए और क्या नाम है, उन्हें ये भी बताना चाहिए कि उनके साथ भी सामान्य व्यक्ति का की तरह ही व्यवहार करें, उनमें भी आत्मसम्मान का भाव पैदा करें, ठीक है। और उस जो अक्षमता है उसको एक अभिशाप की तरह ना माने, उन व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहानुभूति ना दिखाएं, बल्कि उनको भी इस तरीके से व्यवहार करें उनके साथ कि उनमें भी जो है वो आत्मसम्मान की वृद्धि हो सके। जैसे कि हमने भी अपने समाज में देखा है कि बहुत से जो विकलांग होते हैं व्यक्ति होते हैं उन्होंने भी क्या करा है, समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया है, ठीक है। जैसे कि अब हम एक वैज्ञानिकों को देख लेते हैं कि जो वैज्ञानिक जो आइंस्टाइन है उन्होंने भी एक मानसिक रूप से बहुत बेहद कमज़ोर इंसान थे, पर उन्होंने भी क्या करा है, एक बहुत बड़े महान वैज्ञानिक बने हैं आइंस्टाइन, ठीक है। तो बहुत बड़े भौतिक साइंटिस्ट हैं, ठीक है। और एक नाम ऐसे स्टीफन हॉकिंग है जिन्हें जो कि चलने फिरने में जो थे वो भी सक्षम नहीं थे, चलने फिरने तक में सक्षम नहीं थे, उनके हाथ की सिर्फ उंगलियां हिलती थी, ठीक है। जिससे फिर भी वो उन्होंने इतना महान काम किया और इतना मतलब समाज अपने क्या नाम है पूरे विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया और इतने महान वैज्ञानिक बन गए स्टीफन हॉकिंग, ठीक है। तो आज की वीडियो बस में बस इतना ही। अब बात करेंगे अगली वीडियो में विकार के बारे में। हम विकार देखेंगे, 5 तरीके के विकार कौन कौन से होते हैं, जिनमें कि विकार ADHD, ODD, OCD, इन सब विकारों के बारे में, SPD, इन सारी चीज़ों और विकारों के कारण देखेंगे और ये विकार हैं क्या इनको देखेंगे। जब तक के लिए आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।